वहीं शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। 37 साल के इस खिलाड़ी ने 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। अपने 13 साल के करियर में वो 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला, मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है, तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूँ, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ BCCI DDCA का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बस खुद से यही कहता हूँ कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला।